अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको हमेशा हिफ्ज़ अमान में रखे। बस हम लोग अभी बाहर बैठे थे और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जोधपुर में, तो हम लोग आग आग लगा के बैठे हैं यहाँ पे। तो बस आज मैं सोचा था कि आज हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रात में आपको कहाँ पे एक सैंडविच अच्छा मिल सकता है, मतलब बॉम्बे सैंडविच का यहाँ पे वो एक वो स्टॉल लगाते हैं, तो वो अपने जो जालूरी गेट है वहाँ पे वो रात को खड़े होते हैं, जो जालूरी गेट पे जो बुक वर्ल्ड है उसके एकदम सामने। तो बस अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ का सैंडविच टेस्ट करें के बताएंगे कैसा है। काफ़ी मैंने नाम सुना है उनका कि भाई काफ़ी अच्छा बना रहे, तो मैंने कहा चलो अपने जो सब्सक्राइबर है उनको दिखा भी देंगे और वहाँ जाके वीडियो भी बना लेंगे। चलो अब चलते हैं। तो बस हम लोग जालूरी गेट आ गए हैं। अब बस आपको बताते हैं कि कहाँ पे वो खड़े रहते हैं, जो कि जालूरी गेट का जो सर्कल है उसके एकदम सामने वो खड़े रहते हैं, बुक वर्ल्ड के सामने। तो ये बस आज, और आज तो ये खड़े ही नहीं है, आज तो है ही नहीं यार। अरे आज तो आप क्या करें, आज तो वो जो जो यहाँ पे खड़े होते हैं वो आज वो आए नहीं हैं, तो अब क्या करेंगे। अब मुझे तो बस अभी तो आज तो वो जो हैं वो आए नहीं हैं, जो सैंडविच काफ़ी अच्छा बनाते हैं मैंने सुना है, लेकिन आज वो आए नहीं। तो हमने डिसाइड किया है कि आज ऐसे करते हैं कि एक और यहाँ पे शॉप है जो कि स्वीट कॉर्न रखते हैं, रात को 12 बजे तक उनकी जो स्टॉल है वो खुली रहती है। इनकी शॉप है सरदारपुरा में, जो पुलिस स्टेशन है उसके एकदम सामने। तो चलिए हम लोग सीधा वहाँ चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से टाइप के स्वीट कॉर्न वहाँ पे रखते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ और बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। तो चलिए आपको भी बता देते हैं कहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न रात को। वैसे तो मैं सैंडविच खाने के लिए आया था, लेकिन अब क्या करना, सैंडविच वाला बंद है। तो वैसे भी मेरे को ये भुट्टे भी मुझे बहुत पसंद है, मैं खाता रहता हूँ। तो ये यहाँ पे खड़े होते हैं, ये जो पुलिस स्टेशन है ना, सदापुरा का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भुट्टा बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं अब इनसे इनका पूरा बताता हूँ कहाँ ये इनकी स्टॉल किस नाम से है और क्या क्या इनके पास। इनका नाम है मनीष भाई के नाम से है। ये आपको इनसे पूछते हैं कौन कौन से भुट्टे रखते हैं, और मुझे इनके मसाला भुट्टा बहुत पसंद आता है। क्या मनीष भाई, कैसे हो? बढ़िया, जोरदार जोरदार। आज क्या बना रहे हो मेरे लिए, वही सेम बना रहे हो मसाला? हाँ, वाला सेम। वैसे अपने पास कौन कौन से मिलते हैं? बटर वाला है। हाँ हाँ, चीज़ वाला है और एक प्लेन है। और मतलब तीन टाइम के, एक तो बटर है, हाँ, एक प्लेन है और एक मसाला वाला है। मसाला वाला कितने का है? 40 रुपये। 40, और जो वो चीज़ वाला है वो? इसमें दो क्वालिटी है, मतलब एक तो है 40 वाला और एक है 30 वाला। 30 वाला, अच्छा, दो क्वालिटी है। और प्लेन? प्लेन की 30 रुपये 40 रुपये। ये बना रहे हैं, देखें आप, ये बॉइल गोरन की मुझे, ये इसमें बॉइल करते हैं। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, अगर जोधपुर में हैं तो इतने अभी ऐसे मौसम में एकदम गर्म, एकदम सर्दी में गर्मी, ये आपको एकदम फ्रेश खिला रहे हैं, देखें आप। तो बस ये बन रहा है हमारा, वेट करते हैं मनीष भाई का, बन चुका है हमारा। ये क्या क्या डाला वैसे मनीष भाई इसमें आपने मसाले में? मसाला जल जीरा है और नींबू भी डाला होगा ना? हाँ, मसाला एकदम फ्रेश लग रहा है, देखें आप। हमारा बन चुका है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सदापुरा का पुलिस स्टेशन है उसके सामने ये रात को खड़े होते हैं, मनीष भाई के नाम से कौन की शॉप है। तो अगर आपको, मेरे को तो बहुत पसंद है, अगर आप भी पसंद है तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। तैयार है, एक तो मेरे वाइफ का है और एक मेरा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाया उन्होंने, जो मसाला है वो एकदम परफेक्ट है और जो कुहन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे खाने। अब मैं ये खाऊंगा इंशाल्लाह, यहाँ पे हमारा वीडियो है वो ख़त्म करते हैं। तो रात को कौन खाना है, 11-12 बजे तक ये खाना है ना मनीष भाई, 12 बजे तक हो? 12 बजे तक ये कौन आपको यहाँ पे खिलाएंगे, जो कि सदापुरा पुलिस स्टेशन के सामने है मनीष भाई। तो कभी भी अगर किसी को कौन खाना है तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। और आप बस दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो फिर मुलाकात होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर आप वो बजाएँ, क्योंकि वो नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आया। तो बस दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी।